और प्लान बी के तहत मुख्तलिफ शहरों में JUI के धरने जारी हैं। शहर कायद में हब रिवर रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि मालाकंड और मानसहरा में भी धरना दिया गया है। कराची से आने वाली ट्रैफिक को हब टोल प्लाजा से वापस मोड़ा जा रहा है। जमीयत-ए-उलमा इस्लाम फे के प्लान बी के तहत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तीसरे रोज भी धरना दिया जा रहा है। कराची में JUI फे के कारकुनों ने हब रिवर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक धरने की वजह से हैवी ट्रैफिक को रोक दिया गया। हब से आने वाली गाड़ियों को नॉर्दर्न बाईपास की तरफ मोड़ा जा रहा है, जबकि कराची से आने वाले ट्रैफिक को हब टोल प्लाजा से मोड़ा जा रहा है। मालाकंड और मानसहरा में भी JUI के कारकुनों की जानिब से धरना दिया जा रहा है। मौलाना फजल-उर-रहमान ने 2018 में होने वाले इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली के इल्जामात पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफी होने और मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रखा है। उन्होंने 27 अक्टूबर को कराची से आजादी मार्च का आगाज किया था। JUI का काफिला मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ 31 अक्टूबर को रात इस्लामाबाद पहुंचा था, जहां उन्होंने पिशावर मोड़ के करीब H9 ग्राउंड में धरना दिया था। इस्लामाबाद में 14 रोज के धरने के बाद मौलाना फजल-उर-रहमान ने 13 नवम्बर को धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए मुल्क भर के शहरों को बंद करने का ऐलान किया था, जिसे प्लान बी का नाम दिया गया। प्लान बी के तहत शहर शहर धरने दिए जा रहे हैं।